छतरपुर जिले के बड़ा मलेहरा में होने जा रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने हिंदुत्व कार्ड खेलते हुए साध्वी रामसिया भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। बचपन से प्रवचन करने वाली रामसिया टीकमगढ़ जिले की रहने वाली हैं। बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती के इलाके बड़ा मलेहरा से इस बार कांग्रेस ने प्रयोग करते हुए भगवाधारी साध्वी रामसिया भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। बड़ा मलेहरा सीट पर हमेशा से चुनाव जाति के आधार पर लड़ा जाता है। उमा भारती के परंपरागत लोधी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए उनकी ही बिरादरी से कांग्रेस ने रणनीति के तहत प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने लोधी जाति के प्रद्युमन सिंह लोधी को टिकट दिया है, लेकिन रामसिया के प्रत्याशी घोषित होते ही कांग्रेस में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। रामसिया ने नाराज कार्यकर्ताओं को मना लेने की बात कही है, वहीं उन्होंने बड़ा मलहेरा में विकास को चुनावी मुद्दा बनाया है। जी, मैं संत प्रवृत्ति की हूँ, संत हूँ, तो मुझे क्षेत्र की जनता बहुत प्यार करती है और मुझे क्षेत्र के ही मानते हैं। वो लोग सब क्षेत्र का मानते हैं कि मेरे क्षेत्र के हैं, और चूंकि एक दो कुछ ऐसी प्रतिक्रियाएँ आती हैं तो हालांकि वो कह तो ठीक ही रहे हैं कि मेरा जन्म टीकमगढ़ ज़िले में हुआ है, पर मासी जी गोद लाई थी तो गोद लाने का मतलब यही होता है कि मैं यहीं की बिल्कुल अच्छी तरह से शांत करूँगी। मेरे परिवार के लोग हैं और मेरी कांग्रेस पार्टी के लोग इतने नाराज कभी नहीं होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा विरोध करें, वो मेरे साथ रहेंगे। किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? जी, मुद्दे हमारे यही हैं कि हमारी बड़ा मलहरा विधानसभा को विकास पुरुष की आवश्यकता है। यहाँ छल्ले वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है बड़ा मलहरा को, और इन्होंने जो छल्ले का काम किया है ये वहाँ नहीं चलेगा। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।